देखिए मोदी इतना और या भाजपा इतना गर्म रोटी नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी तुरंत गर्म रोटी खाने में 400 पार दुकान बंद हो गया था। तो ऐसी स्थिति में फिर भाजपा हड़बड़ा के कोई फैसला लेना नहीं चाहेगी। नीतीश, चिराग, नायडू सभी को कुशन दिया जाएगा। ये जब चर्चा उड़ी कि उनके सांसदों को तोड़ दिया जाएगा, उस दौरान थोड़ी कर्कशता तो जरूर भाजपा और उनके रिश्तों में आई, लेकिन दोनों जानते हैं कि दोनों के लिए इस वक्त सत्ता में बने रहना और एक दूसरे के साथ रहना बहुत जरूरी है। चिराग को देखते हैं तो उनको लगता है कि चिराग तो अभी बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं, सांसद ही ना है, विधायक तो उनके हैं नहीं और कोई मुख्यमंत्री तो बिहार का चिराग बने नहीं हैं। और एक और बात, उन्हें लगता है कि अगर सबसे जोड़ घटाव करें तो असल डर जो है वो चिराग से ही, कि जीतन अंबानी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया है यहाँ पर। अगर वो बात करते हैं कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए या संपन्न जो हो गए हैं परिवार उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, कैटेगराइजर होना चाहिए, तो उस आधार पर तो जीतन मांझी परिवार में कौन नहीं है अच्छे पद पर। अब एक बहू बच गई थी, उनको भी आपने टिकट दे दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव और झारखंड में 81 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। एनडीए गठबंधन झारखंड में सीट बंटवारा कर लिया है और इस सीट बंटवारे में चिराग पासवान जनता दल यूनाइटेड को टिकट मिल गया। एक सीट पर चिराग लड़ेंगे। अपने उन्होंने आज तो सुबह सुबह अपने उम्मीदवार के नाम सार्वजनिक तो किए ही, साथ ही साथ उनको सिंबल भी दे दिया। चतरा की सीट है और वहां पर पासवान जाति के एक नेता को विधायक बनाने के लिए वहां पर उन्होंने टिकट दिया है। बात करें बिहार के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को, तो उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के भले ही चिराग पासवान कुछ ना बोले, लेकिन इधर लड़ाई छिड़ गई है। जीतन राम मांझी की वजह से एनडीए गठबंधन में आखिरकार टेंशन क्यों उठ रहा है? गेम बड़ा में आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं झारखंड वाली सीट को लेकर, या बिहार के उपचुनाव में सीट न मिलने पर क्या जीतन राम मांझी की वजह से एनडीए में टेंशन बन गया है? चलिए सीधे संपादक से जुड़ते हैं, बातचीत करेंगे कि सर सीट बंटवारे पर चिराग नाराज हैं अभी भी या फिर कुछ और मामला चल रहा है? देखिए, चिराग पासवान सीट बंटवारे को लेकर नाराज नहीं है, सीट में प्रत्याशियों के चयन को लेकर नाराजगी है उनकी। सीट बंटवारे को लेकर भी उनकी नाराजगी हो सकती थी अगर उनको भागीदारी नहीं मिलती झारखंड वाले चुनाव में, तो उन्हें वो भागीदारी तो मिल गई, तो वहाँ उनको बहुत समस्या नहीं है। समस्या हो रही है बिहार में, आपको याद होगा कि जब चिराग पासवान सरकार बनी केंद्र में, तो चिराग पासवान ने उसको सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन किया। समर्थन देने के बाद चिराग पासवान ने मोदी जी को लेकर काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कहीं, जिसको चलते कहा जा सकता नीतीश कुमार और बाकी दलों पर भी नैतिक दबाव बना कि वो एनडीए से अलग होकर महागठबंधन तरफ ना सोचे या इंडिया गठबंधन तरफ। देखा था इस बार आपने कि अगर नीतीश कुमार, नायडू ये अगर थोड़ा भी खेल कर देते तो मोदी की सरकार नहीं बन पाती। तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान ने बड़ा महत्वपूर्ण रोल कैटलिस्ट का प्ले किया, लेकिन उसके तुरंत बाद स्वभाव से जस्ट विपरीत, जैसा कि चिराग पासवान का स्वभाव रहा है भाजपा के प्रति, मोदी के प्रति स्पेशली, उसके इतर 3-4 मुद्दों पर उन्होंने अपना विरोध भाजपा से ही दर्ज किया या केंद्र की सरकार या सरकारी फैसलों से दर्ज किया। पहले हमने वक्फ बोर्ड पर देखा, फिर लेटरल एंट्री पर देखा, फिर हमने वर्गीकरण कोटा विदिन कोटा के बारे में सुना उनकी बात, और भी जातीय गणना को लेकर भी उनकी बातें जो थी वो इंडिया गठबंधन के सरीखे बातें थी। तो इन 4-5 मुद्दों पर जब वो लगातार अपना मंतव्य देने लगे और भाजपा से अलग देने लगे, धीरे धीरे कर्कशता दोनों में बढ़ी। यहाँ तक कि बिहार में ये चर्चा शुरू हो गई, कुछ पत्रकारों ने ये चर्चा शुरू कर दी कि इनके सांसदों को तोड़ लेगी भाजपा, इनका जो रवैया है उसको लेकर। ठीक है, मोदी इतना और या भाजपा इतना गर्म रोटी नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी तुरंत गर्म रोटी खाने में 400 पार 300 पर अटक गए दुकान बंद हो गया था। तो ऐसी स्थिति में फिर भाजपा हड़बड़ा के कोई फैसला लेना नहीं चाहेगी। नीतीश, चिराग, नायडू
सभी को कुशन दिया जाएगा, जो वर्तमान सहयोगी हैं उनको नाराज करने की कोशिश नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा या ऐसे दल जो बहुत बड़ा जनाधार लेकर नहीं आ रहे हैं इस गठबंधन में, भाजपा के हिसाब से वो भी दबाव, हाँ उनके दबाव में तो नहीं आएगी। जैसे आप देखे होंगे कि इन दोनों पार्टियों को झारखंड में एक भी सीट मिली नहीं। उपेंद्र कुशवाहा बहुत स्मार्ट है, उन्होंने मांगने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन जीतन राम मांझी थोड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं, उन्हें लगता है कि ये उनके लिए सूट करता है, उन पर बेहतर इस तरीके से पेच फंसाते रहना। लेकिन इन मुद्दों पर जब चिराग पासवान भाजपा से अड़ रहे थे, तब ये जब चर्चा उड़ी कि उनके सांसदों को तोड़ दिया जाएगा, उस दौरान थोड़ी कर्कशता तो जरूर भाजपा और उनके रिश्तों में आई। लेकिन दोनों जानते हैं कि दोनों के लिए इस वक्त सत्ता में बने रहना और एक दूसरे के साथ रहना बहुत जरूरी है, तो अंततः सब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश की गई और हुआ भी। लेकिन इस बीच आपने देखा था कि मांझी जी के जो बयान थे वो चिराग पासवान से अलग थे। कायदे से दोनों दलित नेता हैं बिहार के, लेकिन सबको पता है कि रामविलास पासवान की लेगेसी बड़ी रही है, चिराग भी उस लेगेसी को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हैं। उसके इतर अगर जीतन राम मांझी की हम बात करें तो बहुत बड़ा वोट उनके साथ नहीं है, और दलितों में भी अगर किसी खास जाति की बात करें तो उस जाति से अलग हटकर मांझी के पास बहुत कोई लैंडस्लाइड नहीं हो रहा है उनकी तरफ। दोनों गठबंधनों में मांझी अगर रहते हैं तो वो इसलिए रहते हैं तो क्योंकि वो दूसरे गठबंधन के खिलाफ लगातार मुखरता से बोलते रहते हैं। जी, जी। तो इतना ही उपयोगिता मांझी जी की है बिहार के राजनीति में, सांकेतिक उपयोगिता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो मांझी जी आए हैं जो एनडीए गठबंधन में जो चार जो उनके विधायकों को लेकर के चर्चा चल रही थी, उस वजह से उनको लगता है कि मेरा कद थोड़ा बड़ा हुआ है, इस वजह से वो लगातार दबाव डालते हैं। उनको लगता है कि वो सांसद भी उनके पास है, विधायक भी उनके पास है, वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चिराग को देखते हैं तो उनको लगता है कि चिराग तो अभी बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं, सांसद ही ना है, विधायक तो उनके हैं नहीं और कोई मुख्यमंत्री तो बिहार का चिराग बने नहीं है। और एक और बात, उन्हें लगता है कि अगर सबसे जोड़ घटाव करें तो असल डर जो है वो चिराग से ही है। आगे चल के संतोष मांझी के लिए बड़ी चुनौती चिराग पासवान होंगे, और संतोष मांझी चाहकर भी चिराग की बराबरी तो नहीं कर पाएंगे। ये देखिए यथार्थ की बात करनी चाहिए, इतना आसान नहीं है संतोष मांझी के लिए, जैसा स्वभाव है उनका, जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, बड़ा मुश्किल होगा चिराग के व्यक्तित्व को राजनीति में उनको समानांतर कर पाना अपने, तो वो संभव नहीं है। तो इसी कारण से दोनों के बीच में एक अंतः युद्ध, मतलब एलाइज के बीच में, गठबंधन के बीच में नहीं, एलाइज के बीच में आपस में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हुई। फिर हम देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लाया कि उपजातियों को एससी एसटी के वर्गीकरण किया जाए। ये जो आरक्षण दिया गया है उसमें जो क्रीमी लेयर है या ऐसी जातियां हैं जिनको कालांतर में फायदा पहुंच चुका है आरक्षण का, जो लगभग कई पीढ़ियों से आरक्षण का फायदा उठा रही हैं, अब उनको आरक्षण देने का क्या मतलब, अब उसके जगह पर किसी और गरीब को मिल जाता, उसी जाति में मिलता या उसी समूह में मिलता, तो सब कैटेगराइजेशन करने की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से राज्यों को अधिकार दिया कि आप अपने हिसाब से कैटेगराइजेशन कीजिए। और मजेदार बात जानते हैं ये है कि जो सरकार बनी है हरियाणा में, इस सरकार को अभी 2-3 दिन भी नहीं हुए हैं और इस सरकार ने उस उपवर्गीकरण को मान लिया है, मान लिया बिल्कुल। और जो नायाब सैनी सरकार है हरियाणा की, उसने लागू कर दिया है। जी, जी। बिहार में भी आपको पता होगा कि नीतीश कुमार ने कालांतर में यह फैसला लिया था, महादलित और दलित डिवीजन उन्होंने क्रिएट किया था, जो 22-24 जातियां थी उन जातियों को डिवाइड करके 18 जातियों को महादलित में डाला था, जिनको रोजगार, जिनको बैंक लोन, जिनको रहने के लिए मकान, जमीन, कृषि योग्य, ये सब देने की स्कीम बिहार सरकार ने शुरू की थी। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान की राजनीति को कमजोर करने के लिए ये किया था, ये फैसला लिया था बड़ा। लेकिन चलिए, उसको लेकर विरोध रहा भी रामविलास के बाद, चिराग ने भी काफी दिनों तक विरोध किया इस बात का कि दलितों में मतलब विभाजन क्रिएट करने का काम नीतीश कुमार ने किया। खैर जो भी रहा हो, इसकी वजह से चिराग पासवान का जो वोट है वो कम हो जाता है। हालांकि कालांतर में बिहार सरकार ने लगभग सभी जातियों को जो थी बची हुई उनको भी जोड़कर महादलित में डाल दिया था, जिसके चलते आज चिराग पासवान आरक्षित सीटों पर लड़ पाते हैं चुनाव, या बहुत सारी महादलित जातियां हैं जिनको मौका मिलता है चुनाव लड़ने का। लेकिन बिहार में ये आम राय है कि कुछ दलित जातियों को खासतौर पर, देखिए माना जाता है कि पासवान जाति बड़ा मजबूत हो गई है, तो चिराग पासवान के डायरेक्ट वोट पर ही हमला हो जाएगा ना। अगर पासवान जाति को सब कैटेगराइजेशन के तहत
अलग कर दिया जाता है या आरक्षण के कोटे को उनमें कमी की जाती है। कायदे से जो सजेस्टेड है बिहार में वो ये है कि जो 18% है उसमें 10% और 8% का डिवीजन कर दिया जाए, एक महादलित कम्युनिटी को अलग करके उनको दे दिया जाए 10% और 8% में बाकी जो संपन्न जातियां तथा कथित रूप से दलितों की हैं उनको एडजस्ट कर दिया जाए। मांझी ने भी यही मैंने बयान दिया था। अब इस बयान के बाद आप समझ लें, हमने भी पंचनामा उस समय किया था, इस बयान के बाद एक बात साफ समझ में आने लगती है कि मांझी और चिराग के बीच एक जो क्रेडिट की लड़ाई थी वो अब डायरेक्ट लड़ाई हो गई है। इसलिए मांझी जी चाहते थे कि जो वोट बैंक चिराग से नहीं है वो वोट बैंक हम अपने हिसाब से बटोर लें। नहीं, वो चाहते थे, उनका मेन मांझी का मकसद था कि पेच फंसाना चिराग के राजनीति में। अच्छा। चिराग के जाति पर भी हमला था एक तरीके से। ये सभी को देख, मैं बार बार कह रहा हूँ, अंडरस्टूड है कि पासवान जाति धीरे धीरे संपन्न हो गई है, जैसे यादव जाति संपन्न है, जैसे कुशवाहा जाति धीरे धीरे संपन्न हो गई है, तो बाकी जातियां, हमने तो पूरी चर्चा की थी कि कई जातियां हैं, एक दो जातियां नहीं, कई जातियां जिनको आरक्षण का अब तक फायदा ही नहीं मिला है, वो इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि क्योंकि उसमें भी अब जैसे जो संपन्न जातियां हैं वो अपने बच्चों को टीचर लगा के, हॉर्लिक्स पिया के, कॉम्प्लान पिया के, 10 किताब खरीदवा के वो आईएएस निकलवा देगी। अब जिसके पास आरक्षण तो है लेकिन आरक्षण में भी संपन्न आरक्षित लोगों से वो कैसे लड़ पाएगा, वो गरीब है तो कैसे लड़ पाएगा। आप मानते हैं उसको आरक्षण दे रहे हैं लेकिन उसमें भी तो कंपटीशन उसके साथ हो रहा है ना, वहां भी तो जो पूंजीवादी लोग हैं या जिनके पास पैसा ज्यादा है वो तो अपने बच्चों को अच्छा कर ले रहे हैं। तो यहाँ ये लड़ाई है और इसी का फायदा उठाकर धीरे से हमला वो चिराग पासवान की जाति पर ही था मांझी जी का, कि उसको उतार कर हटा लिया जाए और उसको 8% में ला दिया जाए और 10% वाले में वैसे जातियों को रखा जाए जो संपन्न नहीं है। देखिए मांझी जाति के बारे में माना गया जाता है कि वो संपन्न जाति नहीं है, जीतन राम मांझी खुद संपन्न भले हो सकते हैं लेकिन ये तय है कि पासवान समाज के सामने मांझी समाज बहुत कमजोर है आज भी आर्थिक रूप से और आरक्षण का फायदा उनको मिलना चाहिए। तो अभी जो सीटें बंटवारा हुई हैं तो इमामगंज से उन्होंने दीपा मांझी को टिकट दे दिया, तो दे दिया तो उनके जो जीजा है चिराग पासवान के जो सांसद भी हैं जमुई के अरुण भारती, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है, वो ट्वीट आप स्क्रीन पर लगाइए। बिल्कुल, ये ट्वीट आप देखिए, ट्वीट में क्या लिखते हैं बताइए। लिखते हैं कि उपवर्गीकरण के समर्थक माननीय श्री चीतन राम मांझी जी को उपवर्गीकरण सबसे पहले अपने यहाँ लागू करना चाहिए। गलत तो नहीं बोल रहे, देखिये टू कैन प्ले डेट गेम, मैं बार बार कहता हूँ, जब आप वो खेल खेलिएगा तो हम भी वो खेल खेल सकते हैं। सच्चाई है कि जीतन राम मांझी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया यहाँ पर। अगर वो बात करते हैं कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए या संपन्न जो हो गए हैं परिवार उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, कैटेगराइजर होना चाहिए, तो उस आधार पर तो जीतन राम मांझी परिवार में कौन नहीं है अच्छे पद पर। अब एक बहू बच गई थी उनको भी आपने टिकट दे दिया, तो ये तो चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, घर से शुरू कीजिए चैरिटी। तो अपने बहू के बजाय अगर किसी कार्यकर्ता को, गरीब मांझी परिवार के व्यक्ति को आप देते हैं तो अच्छा लगता, लगता कि जीतन राम मांझी जो बोलते हैं वो करते भी हैं, ही वॉक्स द टॉक, जो बोलते हैं सो करते हैं, एकदम अड़ जाते हैं, आयरन मैन है एकदम। लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये कमजोर स्थिति में जीतन राम मांझी को पकड़ लिया है रंगे हाथों उनके जीजा ने, और इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि चिराग मांझी का जो गेम था चिराग के खिलाफ वो भूल नहीं रहे हैं। चिराग जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं मांझी जी मौका मिलेगा तो इनके लिए जहर बोने का काम करेंगे, और मांझी जी को ये सांकेतिक एहसास भी, देखिए कोई खास विरोध नहीं करेंगे लोग लेकिन एहसास जरूर करा रहे हैं कि एनडीए की एक सीट पर अन्याय हुआ है, दलितों के साथ अन्याय हुआ है, जो जिस मतलब जो कॉन्ट्राडिक्शन वो पैदा करना चाह रहे थे चिराग पासवान के साथ उनकी सीट को लेकर के, अगर वो उपवर्गीकरण होता है तो चिराग की सीटें भी तो चली जाएंगे वहां, और परिवारवाद भी यहाँ है, परिवारवाद भी है, परिवार में उनको भी हमला क्यों कर रहे हैं उनके जीजा कर रहे जिन पर हमला होता है कि भाई वो परिवार के हैं, तो साफ तौर पे मतलब ये टिट फॉर टैट सीधा दे रहे हैं कि भाई चिराग नहीं बोलेंगे मैं बोल देता हूँ, आपने भी कोई अलग काम नहीं किया, जो आप जिस लड़ा मतलब आप जिससे लड़ने चले हैं वही आप बन जाते हैं और आपके व्यवहार में डबल स्टैंडर्ड दिखता है। इसी पर कहीं ना कहीं पकड़ी गई है चोरी इनकी। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये विवाद केवल ऊपरी विवाद नहीं है। जी सर, समझाने का पीछे मेरा मकसद यही था। दरअसल चिराग पासवान की टीम ने, आपने देखा भी था आप वहाँ मौजूद थे, बहुत मेहनत की थी जीतन राम मांझी के चुनाव में, चिराग ने भी मेहनत की थी और काफी मोबिलाइज किया था अपने संगठन को वहां पर,
और कुर्बानी भी दी थी। अब है क्या कि इससे पूरा संतुष्ट होकर उन्होंने यहाँ तक किया कि जितना माझी ने एक सभा में बोल दिया कि चिराग पासवान बिहार का भविष्य है, अपने बेटे के सामने ही और बाकी लोगों के सामने ही ये बात उन्होंने कही थी, तो उससे बदल कैसे गए जीतन अम्मा जी? बार बार अपने बयानों से बदल जाते हैं जी। और अब क्या है कि अब इस सीट पर दीपा मांझी जो हैं वो कैसे जीतेंगे? अगर उनको महागठबंधन के सहयोगी के प्रत्याशी से जीतना है तो उनको एनडीए के सारे दलों का सहयोग चाहिए होगा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पासवानों की एक अच्छी सही जनसंख्या उस क्षेत्र में है, तो उन्हें तुरंत चिराग पासवान की आवश्यकता पड़ेगी। और चिराग अगर इस तरह के रवैया रखेंगे तो इससे तो मैंने संभव है कि वो सीट जितना माझी चाहते हैं जीत जाएं, लेकिन हार जाएंगे, एनडीए को भी एक सीट का नुकसान होगा। और इस पर तो मुझे लगता है कि उन्होंने स्पष्टीकरण भी देने की कोशिश की जितना माझी ने, क्या कहा है, ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी आप सभी के सामने चल रहा होगा। ये ट्वीट आप देखिए, उसमें जीतन राम मांझी अपनी बहू का फोटो जो है वो पुराना फोटो, उस पर वो ट्वीट करके लिखते हैं कि दीपा कुमारी को आप सिर्फ जीतन राम मांझी की बहू बताकर हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते हैं। वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि दीपा से मैंने संतोष सुमन की शादी इसलिए कराई कि वो हमारे समाज की पहली लड़की रही जो तमाम सामाजिक ताना बाना के इतर हमारे गरीब बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, और इस वजह से वो मतलब अलग जगा रही थी शिक्षा की। मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले दीपा जिला परिषद की सदस्य निर्वाचित हो चुकी थी। संतोष कुमार सुमन के एमएलसी बनने या मंत्री बनने से पहले से ही दीपा कुमारी पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय थी। जब भी विपक्ष ने किसी महिला को आगे करके हमारे एनडीए गठबंधन के नेताओं को घेरने की कोशिश की तब दीपा ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऐसी है समाज में अलग जगाने वाली दीपा। अब इसके बावजूद भी यदि कोई दीपा का नाम लेकर मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं तो वह उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। और तस्वीर भी एक बाइक चलाते हुए, बाइक चलाते बहुत पुरानी, मतलब जब वो हाँ, तो देखिए यहाँ एक बात समझिए, लड़ाई कोटा विद इन कोटा की है, उपवर्गीकरण की है, संपन्न दलितों से आरक्षण लेकर असंपन्न दलितों को या पिछड़े दलितों को देने की है, लड़ाई परिवारवाद की नहीं है। कोई जो उनके जीजा हैं चिराग के, वो ये थोड़े कह रहे हैं कि अपने बहू को दे दिया आपने टिकट, वो ये कह रहे हैं कि आप इसके जगह किसी गरीब दलित को दे सकते थे। लड़ाई यहाँ की है, जीतन अम्मा जी अपने ही खेल में फंस गए हैं, सच्चाई यही है। और ये जो वो बयान दे रहे हैं, इन बयानों से बस ये कहा सकता है कि ही इज मेकिंग स्मॉल टॉक, किसी तरीके से बात को बदल रहे हैं जी जी जी। तो चिराग पासवान ने एक बात तो साबित आज तक बिहार की राजनीति में जरूर किया इधर, कि जो जिस भाषा में आता है उस भाषा में उसको जवाब देना इन्हें आता है, और ही अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग अ बिगर पर्सन। वो राजनीति में जो मोरल ग्राउंड है वो लेकर निकल जाते हैं, मोरल छोटी छोटी विक्ट्रीज लेकर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा वोट बैंक बिहार में है वो जस्टिफाई ये करता है कि नहीं चिराग तो सही बोल रहे हैं यार, ये मांझी जी ने तो गलती कर दी। और वैसे ही देखिए जमुई में एक बयान आ जाता है, मंच के नीचे से गाली दे देते हैं चिराग पासवान की माँ और उनकी बहनों को, तो उसकी वजह से देखा आपने ना, चिराग पासवान ने तो कुछ नहीं गाली दी किसी को, लेकिन उसके रिएक्शन में चिराग पासवान का वोट उस पूरे चुनाव में बढ़ता गया, और वो चुनाव के रिजल्ट्स में साबित करता है कि उनके साथ सिंपैथी भी फ्लो कर गई। 2020 में चिराग पासवान भले बहुत बड़ा खेल न कर पाए हो, मतलब अपने लिए हराने वाले काम कौन पे किए, लेकिन आगे ये समझ में आ रहा है कि चिराग पासवान खेल समझ रहे हैं, बिहार का बड़े बड़े सुरमाओं को उन्हीं के खेल में मैंने फंसा ले रहे हैं। 2020 में भी तो सर हमने चिन्हित किया था कि 9 सीटों पर उन्होंने जदयू को शिकस्त भी दे दिया था, लड़ाई बहुत मजबूती से साथ दे दिया था। तो देखिए विवाद तो है, अब एनडीए की ये सीट कमजोर तो होगी, ये तय है। दीपा मांझी का शुरुआत ही विवाद से होगा, प्रथम ग्रास्य मक्ष काम पात्र अपने ही गठबंधन में विवाद के कारण लूज कर जाएगा। देखिए तो लूज कर सकता है, कर नहीं जाएगा। देखिए ये जो एनडीए का विवाद है और खास तौर पे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के आसपास ये जो विवाद इर्द गिर्द घूम रहा है, इसे कैसे एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेता संभालते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उपचुनाव में ये 4 सीटों पर कहा तो ये जा रहा है एनडीए की तरफ से कि हम लड़ाई टक्कर के देंगे, लेकिन अगर आपस में ही लड़ जाएंगे तो कैसे मजबूती के साथ ये चुनाव जीतेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। गेम बड़ा के लिए इतना ही, लेकिन चर्चा भारत लाइव पर लगातार जारी है, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।